हेलो लेट अस सेट दिस क्वेश्चन अ कैथोड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज चेंज सच दैट द वर्क फंक्शन चेंजेस फ्रॉम वन टू डब्ल्यू टू एंड डब्ल्यू टू इज ग्रेटर दैन डब्ल्यू टू इफ द करंट बिफोर एंड आफ्टर चेंजेस आर आई वन एंड आई टू ऑल अदर कंडीशंस रिमेनिंग अनचेंज देन करंट के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि हम लोग ने जो कैथोड है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का वो चेंज किया है जिसकी वजह से जो है हमारा वर्क फंक्शन डब्ल्यू वन से डब्ल्यू टू हो जाता है और करंट जो है वो आई वन से आई टू हो जाता है तो हमें डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू के बीच में रिलेशन पता है कि डब्ल्यू टू जो है वो ग्रेटर है डब्ल्यू वन से तो हमें करंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें हम लोग एक मेटल सरफेस पर जो है एनर्जी इंसिडेंट करते हैं एच न्यू और अगर ये जो एनर्जी है इसका जो फ्रीक्वेंसी है एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा तो ये सरफे मेटल की सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं जिसके एन जिसका एक्सप्रेशन होता है एच न्यू क्वल टू वर्क फंक्शन प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन में हमारे पास पहले एक मटेरियल था जिसका वर्क फंक्शन था डब्ल्यू वन और यहाँ पे हम लोग ने जब इंसिडेंट किया था एनर्जी तो हमें कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिले थे ई तो हम लोग अजीम करते कि इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो आई वन होगा सिमिलरली हमारे पास एक सेकेंड मटेरियल दिए जिस पर हम लोग लाइट इंसिडेंट करें तो यहाँ से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे क्योंकि हमें दिया है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन डब्ल्यू टू से है तो यहाँ से जो है कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो आई टू हम लोग अज्यूम करते हैं तो हमें पता है कि हमें डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू के बीच में रिलेशन पता है तो आई वन और आई टू के बीच में रिलेशन चाहिए तो हमें पता है कि जो करंट होता है करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्योंकि हमें पता है करंट क्या होता है एन इन टू ई यहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ई e जो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है तो जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे 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 हम लोग का जो करंट है वो भी बढ़ेगा तो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के लिए उसका इंटेंसिटी बढ़ना चाहिए तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा बट क्वेश्चन में हमें मैंशन किया है कि जो अदर कंडीशन है वो अनचेंज है दैट मीन्स इंटेंसिटी हमारा सेम है तो अगर इंटेंसिटी सेम होगा तो नंबर भी सेम नंबर ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम रहेगा तो इवन दो अगर W1 और W2 चेंज हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं जो करंट है सिंस इंटेंसिटी सेम सिंस इंटेंसिटी इज सेम देर फोर वी कैन से दैट आई वन और आई टू दैट मीन्स जो करंट होगा दोनों केस में वो भी सेम होगा तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन ए हमारा राइट right आंसर हो जाएगा So I hope you have understood it well and best of luck